कुन फयकुन, ये एक अरेबिक सेंटेंस है और इन्हीं तीन लफ्ज़ों में सारी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती हैं। कुन फयकुन, जिसका मायने ये है कि खुदा ने कहा बन और वो हो गया। अक्सर जब कोई भी शख्स बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर से गुजरता है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करता है, तो वो अपने रब को, अपने मालिक को उस मुश्किल वक्त में याद करता है और यही सोचता है कि जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए, यानी कि कुन फयकुन, जो सोचा वो हो गया। और शायद रणवीर कपूर भी यही सोच रहे थे उस वक्त जब 2011 में उनकी फिल्म रॉकस्टार आई थी, जिस फिल्म का म्यूजिक एल्बम वाकई लेजेंडरी था, जिस गानों से लोगों का आज भी गहरा रिश्ता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म की कुछ अनकही बातों से होंगे रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं बज़ूका रिव्यूज और मैं हूँ आपके साथ अलमास सिद्दीकी। फिल्म रॉकस्टार, जिसे 11 नवंबर 2011 में रिलीज किया गया था, जिसकी कहानी में रोमांस और क्लासिकल म्यूजिक का इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला था। फिल्म की कहानी में ये दिखाया गया था कि एक सिंगर बनने के लिए, एक अच्छा कलाकार बनने के लिए और रॉकस्टार बनने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। फिल्म में रणवीर कपूर की परफॉर्मेंस काबिले तारीफ थी, जिन्हें हमने फिल्म में जनार्दन झाकर या यूं कहें जॉर्डन के तौर पर देखा था, जो अपने आइडियल जिम मॉरिसन जैसे एक लेजेंडरी सिंगर बनना चाहते थे, जिन्हें म्यूजिक में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, लेकिन फैमिली वालों का सपोर्ट नहीं था। जॉर्डन एक रॉकस्टार बनने के लिए सारे रास्ते अपना लेता है, लेकिन फिर भी उसकी कोई कदर नहीं करता है। और आपने देखा होगा फिल्म में एक बड़ा ही मजेदार किरदार था खटाना भाई का, जिन्होंने जॉर्डन को रॉकस्टार बनाने में अपनी पूरी मेहनत लगा दी। और उन्होंने ही पहले जॉर्डन को ये बात बताई कि जब तक तुम्हारा दिल नहीं टूटता, तब तक तुम्हारे दिल से ऐसे लफ्ज निकलेंगे ही नहीं जो लोगों को अपनी तरफ खींच सके। और अक्सर आपने देखा ही होगा जितने भी शेर व शायर हैं, गजलें हैं, क्लासिकल म्यूजिक्स हैं, उनकी जो लाइंस होती हैं वो किसी टूटे हुए शायर के दिल की गमगीन बातें होती हैं। चाहे हम बात करें जॉन एलिया की, मिर्ज़ा गालिब की, या फिर बात करें मीर तकी मीर की। जब बात शेर व शायरी की हो रही है तो यहाँ पर एक बड़ा ही मज़ेदार शेर मुझे याद आ गया है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। इस फिल्म की पूरी कहानी ही ख्वाहिश, जुनून, प्यार और लगन को दर्शाती है। रणवीर कपूर अपने रॉकस्टार के सफर को जारी रखने के लिए खटाना भाई की बातों के मुताबिक कुछ ऐसी चीजों की तलाश करते हैं जिसकी वजह से उनका दिल टूट जाए, यानी कि कोई ऐसी लड़की जिससे वो प्यार कर बैठे और उसे मिल जाए धोखा। और फिल्म में नरगिस फाकरी वही लड़की रहती है जिनकी वजह से जॉर्डन बन जाते हैं रॉकस्टार। इस पूरी फिल्म की कहानी में रोमांस और म्यूजिक को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है वो काबिले तारीफ है। इस फिल्म की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस फिल्म में हमें लेजेंडरी एक्टर शमी कपूर उस्ताद जमील खान के तौर पर दिखाए गए थे, जिसमें उन्होंने रणवीर कपूर के साथ स्क्रीन शेयर की थी। वहीं फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर रणवीर कपूर और नरगिस फाखरी की जोड़ी हमें देखने को मिली थी। और 2011 में नरगिस ने फिल्म रॉकस्टार से ही अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट के तौर पर आदित्य राव हैदरी, जयदीप अहलावत, संजना सांघी जैसे जाने माने कलाकार हमें दिखाई दिए थे। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं इम्तियाज अली, जिन्होंने 2007 में आई सुपरहिट फिल्म जब वी मेड बनाई थी, जिसके म्यूजिक एआर रहमान ने कंपोज किए थे और सॉन्ग राइटर इरशाद कामिल थे। फिल्म में कुल मिलाकर 14 गाने रखे गए थे। फिल्म ने पहले दिन 11 करोड़ रुपयों की कमाई की थी और पहले हफ्ते 49 करोड़ रुपए कमाए थे। फिल्म को मिक्स रिएक्शन मिले थे और ये एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी, क्योंकि लोगों को फिल्म की स्टोरी समझ ही नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने इसके गाने सुने तो वो मूवी से कनेक्ट हो पाए। रणवीर कपूर का इस फिल्म में जो लेजेंडरी परफॉर्मेंस है, अगर हम उसे मास्टरपीस कहें तो शायद गलत नहीं होगा। जैसा कि हम सभी ने इस फिल्म में देखा है कि रणवीर कपूर एक रॉकस्टार बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और असल में भी उन्होंने अपने आप को इस किरदार में खुद को ढालने के लिए झोंक दिया था। लेकिन क्या आपको पता है, उन्होंने गिटार सीखने के लिए एक खास क्लासेस ली थी, वो भी एआर रहमान से, और पूरी तरह से खुद को इस किरदार में ढाल लिया था। यहाँ तक कि उनके बाल भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए थे, जिस वजह से इस फिल्म को रिवर्स ऑर्डर में शूट किया गया था, यानी कि फिल्म की
आखिर में हमें जो क्लाइमेक्स दिखाया जाता है जहां वो बड़े बड़े बालों में गाना गाते हुए दिखाई देते हैं, उस सीन को शूटिंग की शुरुआत में ही शूट कर लिया गया था क्योंकि मेकर्स को एक परफेक्ट रॉक स्टार वाला लुक मिल गया था। इस फिल्म में हमें जो जॉर्डन का किरदार दिखाया गया है वो असल में इम्तियाज अली के एक जाट फ्रेंड पर बेस्ड था। जैसा कि अभी मैंने बताया, फिल्म की स्क्रिप्टिंग 2007 में ही शुरू कर दी गई थी। दरअसल उस स्क्रिप्ट के मुताबिक फिल्म के आखिर में जॉर्डन की मौत हो जाती है, लेकिन बाद में इसे चेंज कर दिया गया ये कहकर कि शायद ये एक हैप्पी एंडिंग नहीं होगी। इस फिल्म के गाने कुन फयकुन को क्लाइमेक्स के इमोशनल सीन के बाद ही शूट किया गया था और इस गाने में रणवीर कपूर के बाल छोटे दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जब वो क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग के बाद छोटे बालों में सेट पर पहुंचे तो लोग उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे थे और इस गाने में भी रणवीर कपूर की जो परफॉर्मेंस थी वो काबिले तारीफ थी। इस फिल्म के अंदर कई सारे कॉन्सर्ट वाले सीन दिखाए गए हैं और फिल्म के गाने सदाहक वाले सीन में अगर आपने गौर किया होगा तो कॉन्सर्ट के दौरान कुछ लोग फ्री टिबेट का फ्लैग लहराते हुए दिखाई देते हैं। कोई पॉलिटिकल इशू ना हो इसलिए इसे सेंसर बोर्ड ने ब्लर करवा दिया था। जैसा कि मैंने बताया, ये फिल्म नरगिस फाखरी की पहली हिंदी फिल्म थी। दरअसल नरगिस एक अमेरिकन मॉडल थी जिनका जन्म न्यूयॉर्क के क्वींस में हुआ था। जब उन्हें फिल्म रॉकस्टार के लिए साइन किया गया था उस वक्त उनकी हिंदी ठीक नहीं थी, जिस वजह से पूरी फिल्म में इनके डायलॉग्स को मोना जो शेट्टी ने डब किया था। तो ये थी इस फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी अनकही बातें जिसे शायद ही आप जानते होंगे। आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।